बारिश ने जो है पूरा माहौल ख़राब कर दिया। बारिश इतनी भयंकर हो रही तो घर से आने नहीं दे रहे थे। हम आज मैं करने वाला हूँ सोलो कैंपिंग, बहुत मज़ा आने वाला, वो भी इस बारिश में। तो हम लोग अभी अच्छी सी लोकेशन ढूंढेंगे, अभी तो हम लोग अच्छे से टेंट पीच करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सोलो कैंपिंग, मैं और मेरे साथ मेरा डॉगी है। तो जैसा कि गाइस यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकने का नाम ले रही है और मैं काफ़ी ठंडा हो गया हूँ। मैं सोच रहा था बारिश रुकेगी तो फिर मैं निकलूँगा, काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मैं गाइस यहाँ से निकलता हूँ इसी बारिश में। तो देखते आते हैं। तो मेरे साथ जो है मेरा बुजू मेरे साथ आएगा आज कैंपिंग पे। बाकी बारिश से आपको दिख रहा होगा पहाड़ों में, देखो कितनी बारिश गिर रही है, बहुत ज़्यादा बारिश। तो जैसे कि मेरे पास 2-3 बैग है, काफ़ी वज़न हो गया है, तो चला नहीं जा रहा है। आजा, हम लोग आज बस दो ही कैंपिंग करेंगे। इसको तो मैंने अपने साथ लाया नहीं था, खुद ही आ गया। बाकी कुछ रास्ता जो है इस टाइप का है, यहाँ से जंगल है यार। बाकी हम ऊपर चढ़ने के बाद देखेंगे कहीं अच्छी सी लोकेशन। बाकी हमारे पीर पंचालों पे देखो अभी बर्फ़ गिर रही है, बारिश भी बहुत ज़्यादा, अभी भी बर्फ़ है ऊपर। तो मेरे हाथ हो चुके हैं बहुत ठंडे, यहाँ पे मैंने देखा धुआं निकल रहा था, तो मैं इसी धुएँ की वजह से मैं हाथों को गर्म कर रहा हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ आगे अपने सफ़र की तरफ। अच्छा लग रहा है ना, देखो घर भी है साइड से, रहता कोई भी नहीं यहाँ पे, बस जगह बहुत अच्छी है, चारों तरफ से घर ही घर है, और खूबसूरत पेड़ और खूबसूरत हवा जो चल रही है ना यहाँ पे। और बाकी इस साइड जो अभी जो है ना बारिश गिर रही है, और इस साइड जो देखो धूप, एकदम धूप चमक रही है अच्छे से। बाकी देखते हैं रात का कैसा मज़ा आएगा आज रहने का। अभी हम यहाँ पर अच्छी सी जगह देखेंगे, टेंट पिच करेंगे वहीं पर, फिर हमें अपना काम शुरू करना होगा। बाकी मेरा डॉगी देखो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। हेलो बोलो, बोलो हेलो, इनसे बात कर। जो मेरा डॉगी आया है, बाकी आपने तो देख ली लोकेशन कैसी है। सो जैसा कि गाइस मैं जो अभी टेंट जो है यहाँ पे पिच कर रहा हूँ, तो अभी मेरा बैग वगैरह जैसे अभी बंद है, तो बैग बहुत ज़्यादा थे, इसमें ही सब कुछ मैंने सामान डाल रखा था। बाकी मेरे साथ छोटा भाई मेरे को हेल्प करेगा टेंट पिच करने में, ये वाला छोटा भाई। करोगे ना हेल्प, मदद करोगे मेरी मदद? हाँ, ये भाई मेरे को मदद कर रहा है, क्योंकि मैं जो है सोलो। बाकी मेरे सामने यहाँ पे भीड़ जो है बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो अभी यहाँ पे लोकेशन मेरे को अच्छी लगी, पहाड़ भी अच्छे अच्छे दिख रहे, तो मैं यहाँ पे अभी टेंट पिच करता हूँ। उसके बाद मेरे को लकड़ी भी लानी है, तो फर्स्ट मैं शायद लकड़ी के लिए जाऊँगा, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बारिश आने से पहले ही मैं लकड़ी एक बार लेके आऊँगा, तो उसके बाद मैं टेंट पिच करूँगा अच्छे से। जैसा कि गाइस मैं अभी भाई से कुल्हाड़ी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुल्हाड़ी नहीं लाई थी। अभी मैं निकलता हूँ लकड़ी के लिए सामने जंगल की तरफ, तो लकड़ी लाने के बाद हम फिर टेंट पिच करेंगे। बाकी पूरी रात को चले गाइस, अब हम लगे यहाँ पे टेंट पिच करने, तो लकड़ी हमने रख दी, बाकी अभी हम टेंट पिच करते हैं। तो
उसके बाद देखते बारिश भी फिर से दोबारा आने लग गई, तो टेंट पिच करने के बाद हम थोड़ा पानी पीता हूँ, उसके बाद अब बोलता हूँ मैं। लकड़ी लाने के बाद मैंने टेंट पिच कर लिया। अभी मैंने बारिश जो है फिर दोबारा से लग चुकी है, ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली, तो मैंने टेंट जल्दी से पिच कर लिया, तो थोड़ा सा काम मैंने वो भी कर लिया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैमरे से घुमा के, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चूल्हा जिस पे मेरा खाना पकेगा। यहाँ पे लकड़ियाँ रखी है, लकड़ियाँ और बहुत सारी लानी, बाकी यहाँ पे छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा जमा हो चुके, तो ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, इनको किसी को पता नहीं है ना, किसी को पता है नहीं पता है इनको, बिल्कुल चुप खामोशी से। अभी इनके चेहरे पे ना ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, अरे देखो कितना मोटा भी है यार, है ना मोटा तू, बोल रहा है मैं मोटा हूँ, ये भी अच्छा है। सब ने हेल्प की मेरे को टेंट लगाने में, बाकी दिल से शुक्रिया इन भाइयों का, सब छोटे भाई है, तो इनके लिए नेक्स्ट जब आऊँगा पक्का इनके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह ज़रूर लाऊँगा। तो अभी मैं चूल्हा बना लेता हूँ, खाने की तैयारी जस्ट करेंगे, बाकी वेदर जो पूरा ख़राब हो चुका, मौसम देखो चारों तरफ से बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो बारिश आने ही वाली है अभी, तो अभी मैं जल्दी से खाना तैयार करता हूँ, चाय बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो लकड़ी जला ली हमने, तो अभी चाय बन रही है, पानी तो गर्म हो गया, तो बस जस्ट चाय बनाएंगे अभी हम। सो जैसा कि गाइस चाय अपनी रेडी हो चुकी है इस खूबसूरत वाले मौसम में, तो पीने का कुछ अलग ही मज़ा आएगा। यहाँ पे जो है आग जल रही है, बाकी देखो बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से आने वाली है अभी, तो काफ़ी डर भी लग रहा है यार अकेले को, बचने के बाद देखते हैं कैसा मज़ा आएगा। भाई साहब एक नंबर की चाय बनी है यार कसम से। तो लोग अभी काट रहे हैं प्याज, तो बाहर से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंडी भी काफ़ी लग गई है, तो बाहर बारिश से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। अभी हम प्याज टमाटर वगैरह काटेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम लोग खाना। तो अभी चिकन तो हमने ऑलरेडी काट के ही लाया है, तो आज चिकन बनाएंगे हम लोग। तो जैसा कि गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं चिकन फ्राई, बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है यार, तो अभी हमारा चिकन जो है इसमें चढ़ चुका है, तो अभी फ्राई करेंगे इसको अच्छे से। बाकी यहाँ पर चिकन थोड़ा फ्राई हो रहा है, ओह हो हो हो, तो जलने लग गया यार, तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे भी अपना चिकन हल्का सा फ्राई किया है, तो यहाँ पे चल रहा है आईपीएल का मैच सामने सामने, बाकी कुछ गलत मत समझना ऑयल है इसमें, तो ये बाकी अपनी तलवार, तो यहाँ पे अपना चिकन। पहले सबसे पहले हम खाना खिलाएंगे कुत्ते को, उसके बाद खुद खाएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ आया है ना, इसलिए सबसे पहले इसी को खिलाना। तो एक बार खा, आराम से खा ले, ये धनिया तो नहीं खाएगा ठीक है, इसको बाहर निकाल खाओ। खा ले, तो इसको इसी टेंट में सुलाऊंगा अपने साथ,
तो अपने साथ सुलाना पड़ेगा, बाहर तो मैं कुत्ते को रखूँगा नहीं क्योंकि बारिश भी भीग जाएगा। तो फाइनली गाइस हमारा खाना जो है रेडी हो चुका है, तो बस अभी खाना है। तो इससे पहले हमने डॉगी को जो है खाना खिला दिया, बाकी ये हमारे चावल हैं तो बनाना रखे हुए हैं, तो ये चिकन कुछ इस टाइप का बना हुआ है, तो ये अपनी सलाद है, बाकी अभी चिकन जो है और बचा हुआ है तो ये इसमें चावल है, तो बाकी आपने देख ही लिया। तो अब हम खाना जो है स्टार्ट करते हैं। तो बाहर से आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी है, तो बादल गरज रहे हैं। तो गाइस खाना खाते हैं तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। एक नंबर। जैसा कि गाइस रात को मैंने जो खाना खाया है वो बहुत ही अच्छा खाना खाया है। तो उसके बाद खाना खाने के बाद ठीक 10 मिनट बाद जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो कभी भी। मेरे को रात को पूरी रात को जागना पड़ा क्योंकि इतनी ज़ोर से बिजली गड़क रही थी जिससे मेरा सारा लाइट बंद हो गई, गोप्रो डेड हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। तो मैं क्या करता हूँ उसके बाद मैं चला जाता हूँ दूसरे के घर के टीन के नीचे, जिससे मैं थोड़ी देर वहाँ पे रुक के अपने आप को बचा सकूँ। तो मैं वहाँ पे काफ़ी देर रुकने के बाद रात को 1 बजे होता है मौसम ठीक, उसके बाद मैं क्या करता हूँ फिर से अपना कैंपिंग टेंट लगाता हूँ। तो उसके बाद मेरे को बुखार भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आने लग गया, तो मैं कैंपिंग टेंट लगाने के बाद मैं फिर से आराम करने लग गया। तो मेरा कैंपिंग टेंट वगैरह सब कुछ गीला हो चुका था, तो जो मेरे पास बैग थे उसमें थी कुछ कंबल्स वगैरह, वो मेरे पास सूखी थी जिससे मैं आराम करते करते सुबह 9 बजे जाग गया। तो मैं सुबह का व्यू दिखाता हूँ नेक्स्ट डे क्या क्या। सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं? तो आज हमारा नेक्स्ट डे है यहाँ पे कैंपिंग का, बट रात को मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो दोबारा। रात को भाई साहब इतनी बारिश हुई, इतने बादल गरज रहे थे कोई कहने की बात नहीं, तो मैं रात को बहुत ज़्यादा डर गया था। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो कैमरा बाहर लगा नहीं पाया कि सोलो था, इसकी वजह से मैं बाहर कैमरा नहीं रख पाया जिससे मैं वीडियो शूट करूं। बारिश इतनी ज़ोर गई और मेरा रात को 3 बार टेंट उड़ भी गया था और मैं फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसलिए मैंने रात को वीडियो क्लिप नहीं बनाया। तो अभी मैं 2:30 से 3 बजे के बीच में सो गया था, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा आराम हुआ, थोड़ा मौसम भी रुक गया, तो उसके बाद मैं अभी 9 बजने लग गए हैं, मैं जाग चुका हूँ। तो अभी करते हैं कुछ चाय वाय की तैयारी, तो चाय पीने के बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो बाय। सो गाइस मैं अभी तैयार हो चुका हूँ अच्छे से, तो अभी मैं चाय बना रहा हूँ यहाँ पे बैक साइड में, तो पतीला चढ़ा लिया है, बाकी बाहर इससे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, अगर मैंने ऑन किया होता तो सब क्या हुआ। तो अभी हम चाय पीने के बाद शायद घर को लौट जाएंगे जल्दी से, तो चाय पी लेंगे उसके बाद आपसे। एक नंबर चाय बनी है यार। तो अभी